गुफा जहां यात्रियों को महसूस होता है कि शिव उनका स्वागत कर रहे हैं। जी हां, जम्मू व कश्मीर तीर्थों और देवस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। राज्यों के तीन क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनगिनत तीर्थ स्थान हैं, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में देश के भिन्न भिन्न स्थानों से लोग श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं। तीर्थ स्थानों और देवस्थानों में जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और कश्मीर में श्री अमरनाथ दो ऐसे देव मंदिर हैं जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हैं और यहां लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। कश्मीर में श्री अमरनाथ की यात्रा हर वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर से शुरू होती है और प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन दर्शन किए जाते हैं। अमरनाथ कश्मीर की पूर्व दिशा में अवस्थित है। इसके उत्तर में तिब्बत देश है। यहाँ की पर्वतमाला बहुत ऊंची नीची है। ऊंचाई 17,321 फुट होगी। 12 महीने चारों ओर तुषार ही तुषार दिखाई देता है। श्री अमरनाथ समुद्र की सतह से 39,000 मीटर ऊंचा है। यह ऐसा देवस्थान है जहां मूर्ति न तो पत्थर की बनी हुई है और न ही संगमरमर की। यहां पर शिव का लिंग बर्फ से बनता है जो 6 से 7 फुट तक होता है। कहा जाता है कि श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन बर्फ से बने शिव के लिंग की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। श्री अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 142 किलोमीटर पर स्थित है। श्रीनगर से पहलगाम 16 किलोमीटर तक गाड़ियां जा सकती है, परंतु बाकी की 46 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होती है। श्री अमरनाथ यात्रा के पड़ाव हैं। यात्रा का बस कैंप पहलगाम है, इसके बाद चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी का पड़ाव होता है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा को जाने के लिए पहलगाम बहुत प्रमुख स्थान माना जाता है। यहीं से यात्री को 46 किलोमीटर पैदल चलने के लिए हर तरह की जरूरी वस्तु लेनी होती है, जिससे कि उसे यात्रा में कोई कष्ट न हो। यहीं से सरकार की तरफ से यात्रा के सभी इंतजाम किए जाते हैं। इस बस कैंप में यात्रियों के पंजीकरण के अलावा उनके घोड़ों, टेंटों और मजदूरों की व्यवस्था की जाती है और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, छातों, टार्चों, बरसातियों आदि का भी किराए पर समुचित प्रबंध होता है। सरकार यात्रियों को लाने ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर से पहलगाम तक सीधी बस सेवा भी चलाती है। राज्य सरकार की तरफ से यात्रा अफसर बनाया जाता है जो प्रायः अनंतनाग का डिप्टी कमिश्नर होता है। इसका दफ्तर अनंतनाग के नजदीक ही नुनबान के स्थान पर होता है। यात्रा अफसर अमरनाथ जी की यात्रा के साथ गुफा तक रहता है। वैसे भी पहलगाम कश्मीर घाटी में सबसे अच्छा पर्यटक स्थल माना जाता है, जहाँ हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। अब आपको बताते हैं चंदनबाड़ी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का अगला पड़ाव चंदनबाड़ी पड़ता है, जो पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है और 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंदनबाड़ी भी दूसरे पर्यटक स्थानों की तरह कश्मीर में काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान इस रास्ते में कई बर्फीले पुल आते हैं। चंदनबाड़ी जीप द्वारा भी जाया जा सकता है, परंतु ज्यादातर पैदल ही जाते हैं। आगे है शेषनाग। यात्रा का अगला पड़ाव शेषनाग है, जो पीसू घाटी के सबसे ऊंचे स्थान पर पड़ता है। पीसू घाटी के पास यात्रियों का दम घुटने लगता है और कुछ को तो सरकार की तरफ से ऑक्सीजन भी दी जाती है। इस स्थान पर काफी लोग दम तोड़ देते हैं। यह रास्ता करीब 5 किलोमीटर का है, परंतु इससे पहले वापजान के स्थान पर यात्री विश्राम करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि इस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव रहते हैं। शेषनाग चंदनबाड़ी से 13 किलोमीटर दूर है और 3700 मीटर की ऊंचाई पर है। अब बताते हैं पंचतरणी। महागुनस का पहाड़ जो 4300 मीटर ऊंचा है, इसको पार करने के बाद पंचतरणी का स्थान आता है जो 13 किलोमीटर दूर है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए काफी मुश्किलें आती हैं। इसके साथ पंचतरणी के लिए रास्ता साफ हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे श्री अमरनाथ के मंदिर से शिव मुस्कुरा रहे हों। पंचतरणी से गुफा तक केवल 6 किलोमीटर का रास्ता है, जो बिल्कुल सीधा है परंतु बर्फ से घिरा हुआ होता है। गुफा में जाने से पहले यात्रियों को अमरावती के स्थान पर नहाना होता है। यहाँ पर पानी सात के पहाड़ों की बर्फ से पिघल कर आता है। अब जानते हैं श्री अमरनाथ जी की गुफा। अमरनाथ पहाड़ करीब 5100 मीटर ऊंचा है, जबकि गुफा 3900 मीटर ऊंची है। गुफा के अंदर पहाड़ से सुराख से धीरे धीरे पानी टपकता है, जो साथ ही साथ बर्फ बन जाता है। इसी बर्फ से वहां शिवलिंग बनता है, जिसे हम शिव कहते हैं। ऐसी दो और लिंग बनते हैं, जिसे पार्वती और गणेश के नाम से पुकारते हैं। अगस्त 1979 में वन विभाग के एक कंजर्वेटर ने ऐसे ही कई बर्फ के लिंग बने हुए देखे थे, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर तक थी। यह बर्फ के लिंग ज्यादा समय तक नहीं बने रहते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन यह लिंग बिल्कुल नहीं दिखाई देते। गुफा के
अंदर जाने के समय यात्री के ऊपर बर्फ के पानी की बूंदे गिरती है, जिससे यात्री को महसूस होता है कि जैसे शिव ने उनका स्वागत किया हो। गुफा के अंदर कबूतरों की जोड़ी भी होती है जो सबको नहीं दिखाई देती। कहते हैं कि जो कबूतरों की इस जोड़ी के दर्शन कर ले तो उसके दर्शन सफल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।